हेलो नमस्कार। Z5 पर स्ट्रीम हो रही है हिंदी ड्रामा फीचर फिल्म परीक्षा द फाइनल टेस्ट 6 अगस्त 2020 से, और ये भी उन चंद फिल्मों में से है जो कि थिएट्रिकल रिलीज ना होकर डायरेक्ट OTT पर रिलीज हो रही है। ये एक्चुअली शेड्यूल थी जून में थिएट्रिकल रिलीज होने की, लेकिन नहीं हो सकी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है प्रकाश झा, और उनका भी इस फिल्म के साथ ही डिजिटल डेब्यू हो रहा है। पिछले साल एक्चुअली इंडियन पैनोरामा सेक्शन में इसका प्रीमियर हुआ, और उसके बाद इस साल 2020 में ये जून में इंडियन लंदन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शेड्यूल थी, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो पाई। लेकिन अब ये Z5 पर पिछले 4 दिन पहले से स्ट्रीम हो रही है, और तब से लेकर अभी तक चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ फिल्में शुद्ध मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, उनमें कोई भी तर्क या सामयिकता का कोई संबंध नहीं होता। उसमें जो भी पात्र होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं, और सारी खुशियां हमको मिलती हैं उन फिल्मों से, और उनमें खास आकर्षण होता है। इससे विपरीत कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें कहानी के साथ साथ, मनोरंजन के साथ साथ, कुछ इश्यूज पर भी चर्चाएं की जाती हैं, कुछ मुद्दों को उजागर किया जाता है। कोशिश की जाती है कि मनोरंजन के साथ साथ कुछ मुद्दों को कहानी में पिरोकर मेनस्ट्रीम सिनेमा में लाया जा सके। ऐसे साहसी फिल्ममेकर्स में से एक है प्रकाश झा, जिनकी हर फिल्म में कोई ना कोई मुद्दा नज़र आता है, कोई ना कोई इशू नज़र आता है, और वो बड़े सोशली कॉन्शियस ढंग से उन मुद्दों को अपनी फिल्मों के द्वारा उजागर करते हैं। अगर उनकी पहली फिल्म भी अगर आप ध्यान रखें या याद करें तो 1984 में आई थी दामूल, उस फिल्म के लिए उनको नेशनल अवार्ड था। उसके अलावा फिर गंगाजल हो, या राजनीति हो, या सत्याग्रह हो, या आरक्षण हो, या मृत्युदंड हो, कोई भी फिल्म लो आप, उनकी हर फिल्म में कहीं ना कहीं एक सामाजिक जिम्मेदारी है जो कि एक फिल्म मेकर समझता है और उसको निभाने की पूरी पूरी कोशिश करता है। परीक्षा इस फिल्म में प्रकाश झा का दिल और दिमाग एकदम सही जगह पर है। वो कहानी बता रहे हैं रांची के अम्बेडकर नगर में रहने वाले एक बड़े ही गरीब रिक्शे वाले की, जिसकी एक ही औलाद है, और वो यही चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी स्कूल के बजाय सफायर नाम के एक इंटरनेशनल हाईफाई CBSE वाली स्कूल में पढ़ाई करे, जिससे कि वो उस स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बनेगा और उसको इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालेगा। उसका ये जज्बा पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। उसने ये मान लिया है कि उसका बेटा सरकारी स्कूल की बजाय इंटरनेशनल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। अब वो उसको वहाँ पढ़ाता भी है और उसका साथ देता है उस शहर में नया आया हुआ एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SP, जो कि अपना वक्त निकाल कर अम्बेडकर नगर में रात को जाकर बच्चों को प्राइवेट कोचिंग देता है। अब ये सारी कहानियाँ आगे बढ़ती है, सब प्लॉट्स आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में बद से बदतर सिचुएशन होती चले जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद क्या वो रिक्शे वाला अपनी असली परीक्षा में पास होगा, इस प्रश्न का उत्तर देती है ये 102 मिनट की हृदय स्पर्शी फिल्म, जो आपको याद दिला देगी 1948 की इटालियन लीजेंडरी फिल्म द बाइसिकल थीव्स। इस फिल्म के SP का ट्रैक एक्चुअली इंस्पायर्ड है रियल लाइफ IPS ऑफिसर अभयानंद पर, जो अपना वक्त निकाल कर बिहार की गरीब बस्तियों में गरीब बच्चों को IIT JEE की कोचिंग दिया करते थे। इस फिल्म के राइटर है प्रकाश झा, बहुत ही संतुलित और कहीं पर भी पकड़ न खोने वाली राइटिंग और डायरेक्शन का एग्जेम्पलरी काम है ये फिल्म। कहानी बहुत ही लीनियर और सिंपल है, लेकिन सारी कहानी में कहीं ना कहीं एक कसक है और कहीं ना कहीं एक दर्द झलकता हुआ सा नज़र आता है सारी कहानी में। संतोष मंडल की एडिटिंग है, जिन्होंने बहुत खूबसूरती से एडिटिंग की है, और कैमरा वर्क इतना खूबसूरत है कि आपको लगता है कि आप बिहार की रंगीन गलियों में खुद मौजूद हो। इसलिए संतोष कृष्ण का नाम लेना ज़रूरी है, जो कि कैमरामैन है। म्यूज़िक दिया है अद्वैत नेमलेकर ने, जो कि बेहतर है, लेकिन बेहतरीन है
उस आदमी का काम जिसने रिक्शे वाले की भूमिका की है, यानी कि आदिल हुसैन, उसने अपने इस रोल में अपना दर्द, अपनी व्यथा और अपने सपने इतनी खूबसूरती से पोर्ट्रे किए हैं कि आप उसके दर्द को उसको देखकर महसूस करने लगते हो। मतलब मैं समझता हूँ कि इस साल के सारे अवार्ड्स के में सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है वो। उसकी पत्नी की भूमिका में प्रियंका बोस ने भी बहुत सुंदर काम किया है। सारी चीज़ें, प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग, उसके अलावा स्टोरी टेलिंग, हर चीज़, हर मामले में हर डिपार्टमेंट अच्छा है। इस फिल्म को देखने के बाद ये लगता है कि अच्छी कहानी कही जा सकती है, खासकर OTT प्लेटफॉर्म पर जहाँ पे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा इन दिनों हम देख रहे हैं। ऐसे वक्त अच्छी कहानी, अगर सोशली कॉन्शियस आप हो या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप रखते हो, तो आप बहुत खूबसूरती से एक बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हो और एक अच्छी कहानी बता सकते हो। 4.5 स्टार्स, गो फॉर इट।